हमारा जो कोर्स है हुंकारा विद हलीम, लेट द स्क्रीन कम फर्स्ट. आई एम सॉरी, आज थोड़ा नेट इशू है, डोंट नो व्हाई, बट इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है. आ रही है मैम? हाँ जी बोलिए. स्क्रीन तो आ रही है, देवी प्रार्थना चल नहीं नहीं screen. वो जो सेकंड स्क्रीन है वो आनी चाहिए. दिस वन. चलिए देखिए, आप लोगों को सबको इतना तो पता है कि नौ दुर्गा के अलावा भी सिद्धियां होती हैं, विद्याएं होती हैं, शक्तियां होती हैं. लेकिन बहुत सारी चीजों को हम सिर्फ एक नौ दुर्गा दुर्गा के नौ रूप, अंबे माता के नौ रूप जो है, बस हम उन्हीं की पूजा करते हैं साल में दो बार, है ना. जैसे अभी जो ये है शारदीय नवरात्र चल रहे हैं, तो हम इसमें अलग तरीके की पूजाएं करते हैं, सिद्धियां करते हैं, कुछ लोग तांत्रिक सिद्धियां भी करते हैं, है ना. ये सब बहुत सुना होगा, बहुत सारी चीजें समझी भी होंगी इन चीजों को लेकर. लेकिन यहाँ हम हुंकारा विद हलीम में जो 10 महाविद्याएं हैं देवी की, देवी के जो 10 रूप हैं, उनमें से दो रूपों के बारे में जानेंगे. हुंकारा विद हलीम सिर्फ और सिर्फ दो रूप का ही डिस्क्रिप्शन देता है और उसी को सिखाता है, और वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हीलिंग के लिए है ये दो रूप. आप लोग के सामने जो पिक्चर है, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा. मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करूंगी क्यों हमने सिर्फ काली माता और बगलामुखी माता को ही लिया है. ध्यान से देखिएगा, इसको मैं बड़ा करूं अगर, लेकिन फिर मेरा माउस नहीं चलेगा उस पर. अगर मैं उसको फुल स्क्रीन करूंगी तो वो माउस नहीं चलेगा. सो व्हाट आई डू इज मैं इसको यहाँ ऐसे बढ़ा. अभी ठीक है? आई होप क्वाइट क्लियर. ठीक है ना? ओके. सो देखिए, सबसे पहले जो है वो काली माता है. उनके बारे में तो हम लोग सभी जानते हैं कि वो जो भी गलत है उसका सहार करना, जो गलत है उसको मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना ही काली माता का मेन उद्देश्य था. उनका जो रूप था, उनका जो जन्म हुआ था, वो इसी वजह से हुआ था, राक्षसों का संहार करना. राक्षस मतलब जो हमारे अंदर की जितनी भी कमियां हैं, जिन्हें हम व्याधियां भी कहते हैं, है ना, नेगेटिविटीज जो कहते हैं, तो उनको हटाना ही मेन इसका मकसद था काली माता, इसीलिए उन्होंने रूप धारण किया. फिर है तारा माता. तारा माता आप देखेंगे उनके 10 हाथ हैं, अलग अलग तरीके का उनका रूप है, बट काफी काम है काली माता का ही, लेकिन सौम्य रूप है. ठीक है. फिर आती है हमारी त्रिपुरा सुंदरी. आप देखिए उनका रूप कितना सुंदर है. फिर है हमारी भुवनेश्वरी, जो हम घर घर में जिनकी पूजा करते हैं. फिर आती है हमारी चिन्नमस्ता, ये जनरली साउथ में पूजी जाती हैं और बहुत करके साउथ ईस्ट एशिया में काफी इनका पूजन होता है. फिर है भैरवी. फिर है हमारी धूमावती. धूमावती जो है वो एक तरह से वो देवी हैं जो आपको मतलब खाने के लिए उनका मेन वो है कि अन्नपूर्णा आप मान सकते हो उनको, बट नाम उनका धूमावती दिया हुआ है. फिर आती है बगलामुखी माता, जो अगेन अगर आप देखोगे तो यहाँ सहार कर रही है राक्षस का, गलत का सहार कर रही है. फिर सरस्वती देवी, जो हमारी पढ़ाई लिखाई और इन सब चीजों के लिए है. फिर हमारी है कमला. कमला अर्थात दैट इज लक्ष्मी माता. ठीक है. तो अगर आप देखोगे इसमें, तो जो हमने हुंकारा विद हलीम लिया है वो सिर्फ हम काली माता और बगलामुखी माता फर्स्ट एंड सेकंड रो में थर्ड, हम इन्हीं दोनों माताओं का जो है इसके अंदर टोटल कंप्लीट यही है कि इन्हीं की सिद्धियां हैं, इन्हीं का पूजन है और इन्हीं के बनाए हुए सिंबल्स हैं और इन्हीं की साधना है. और वो क्यों है? क्योंकि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बुराई है, उसको नष्ट करना, उसको खत्म करना ही इन दोनों माताओं का काम है. तो हम इन्हीं की पूजा करेंगे इसमें. पूरे 5 दिन आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे इन हुंकारा विद हलीम के साथ. और हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. अभी तो हमने इतना
मैंने आपको ये बताया है. सेकेंडली मैं आपको इसके बेनिफिट्स भी बताऊंगी कि इन माताओं का जब हम पूजन करेंगे और जब हम इनकी स्टडी करेंगे कि डिटेल में कि ऐसी ये क्यों है. देखिए हर एक रूप कुछ कहता है, ठीक है. अगर आप माँ काली को देखेंगे तो इनका रूप क्या बोल रहा है आपसे? आप में से अनम्यूट करके बता सकते हैं कि काली माता का जो रूप है वो क्या सिग्निफाई करता है, अगर आप में से कोई जानता है तो. एनीवन अनम्यूट कीजिए और बोलिए. आप उनको देखकर भी बता सकते हैं. क्या बात है भाई, काली माता के बारे में किसी को कुछ नहीं पता? गॉडेस काली हमारी माँ जिनकी हम रात दिन पूजा करते हैं, किसी को तो कुछ पता होगा इनके बारे में. ये क्यों है ऐसी, क्यों इन्होंने ये रूप धारण किया? क्रोध में है काली माँ. हाजी she is very angry in this picture ma'am. हाँ तो why she is angry? राक्षसों का सिंगर करने के लिए, सिस्टर रक्षणा करने के लिए. हाजी दुष्ट शिक्षणा सिस्टर रक्षण करने के लिए ऐसा है मैम. देखिए मैं आपको एक सिंपल दो वर्ड्स में पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करती हूँ. बेसिकली जब शुंभ निशुंभ जो दो राक्षस थे उनको ईगो था बहुत ज्यादा, उनका सहार माता ने किया और उनको इस, क्योंकि वो बार बार जन्म लेते थे, उनको इतना ईगो हो गया था कि हमको अगर मार भी देंगे तो हम दोबारा जन्म लेके वापस आ जाएंगे. तभी जहां जहां उनकी रक्त की बूंदे गिरती थी वो वहां से फिर उनकी उत्पत्ति हो जाती थी, वापस से वो बॉर्न हो जाते. तो माँ ने क्या किया, उनका सिर कलम किया, मतलब खत्म उनको मारा और उसके बाद एक बोल में उनका ब्लड इकट्ठा किया ताकि वो जमीन पे नहीं गिरे. तो उनको क्या किया, उन्होंने इस बर्थ और डेथ का जो साइकिल था उससे उनको फ्री किया. तो माँ क्या करती है, मेनली माँ आपका ईगो खत्म करती है कि आप इस धरती पर जब आए हो. देखिए मैं हमेशा सोल रियलाइजेशन की बातें करती हूँ आप लोगों के साथ, है ना. तो सोल रियलाइजेशन की तो यही है कि आप किस पर्पस से यहाँ आए हो. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. आप जिस पर्पस से यहाँ आए हो उसको पहचानो, है ना. और जो ये लाइफ और डेथ का जो सर्कल है, जो विशेष सर्कल है, अगर हमारे खराब कर्म होते हैं तो हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है, उन कर्मों को भुगतना पड़ता है. ये सब तो सभी जानते हैं हमारे हिंदू में, और ये कहना चाहिए कि वेदों में भी ये कहा गया है कि इस साइकिल से मुक्त होना सबसे बड़ी कला है. तो काली माता क्या करती है, तो सबसे पहले आपके ईगो के ऊपर प्रहार करती है कि भाई जो आपने ईगो आपके अंदर भर भर के है कि मैं जो होता है उसको पूरी तरह से नष्ट कर रही है. सेकेंडली इस विशेष साइकिल से जो हमारी जन्म और मरण की चक्र चलता रहता है उससे आपको आजाद करती है. आई होप दिस इज क्लियर इजी.